काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और आज सावन का प्रथम सोमवार है। ऐसे में जो भक्त हैं वो बाबा विश्वनाथ को प्रसन्न करने के लिए फूल माला प्रसाद सामग्री के साथ अंदर पहुंच रहे हैं और उसके ठीक बाहर फूल की एक बहुत बड़ी मंडी है जहां पर जो अलग अलग किस्म के फूल हैं वो लगे हुए हैं। बाबा को इसी से प्रसन्न किया जाता है और मान्यता है कि अगर विशेष प्रकार की फूल बाबा काशी विश्वनाथ को चढ़ाया जाए तो मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है, सभी फूलों की प्राप्ति होती है। चलिए हम यहाँ पे जो विक्रेता है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इस बार इस तिथि पर क्या कुछ रहा है, क्या कुछ अगर बिक्री की बात कर ले तो कैसा हुआ है। माता जी कैसी है पहले तो ये बताइए। ठीक ही है बाबू। अच्छा, हमेशा दुकान यहाँ पे? हाँ हमेशा लगा। आज सावन का प्रथम सोमवार है, कैसी बिक्री हुई है? हाँ ठीक ही हुई है। ठीक हुई है, सब बाबा पर छोड़ दिया? सब बाबा ऊपर है, सब बाबा। हाँ, अच्छा फूल माला का दाम क्या है? दाम है 10 रुपया बिक रहा है। 10 रुपया? अच्छा वही रेट है? हाँ वही रेट। हाँ वही। कमल का फूल? कमल 5 रुपया 10 रुपया होगी। ये बताइए भोर से ही श्रद्धालु आ रहे हैं, अच्छी बिक्री हुई है? हाँ। भाई साहब आपका क्या हाल है? ठीक है भैया, ठीक है। सब बाबा पर मर्जी? सब बाबा की मर्जी, दाल रोटी चल रहा है भैया। चलिए आइए कुछ और लोगों से हम बात कर लेंगे। और ये देखिए ये सबसे बड़ी जो मंडी है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक परिसर के बाहर है। चाहे बेलपत्र हो या बाबा को चढ़ाने वाला कमल का फूल है वो यहाँ पर जो खरीदार हैं, जो श्रद्धालु हैं उनके द्वारा खरीदा जा रहा है। नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, कन्हैया लाल माली। कन्हैया जी कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? हमें कम से कम यहाँ 25 साल हो गया। 25 साल? जी। इस बार कुछ अंतर देख रहे हैं कुछ श्रद्धालुओं में? इस समय भीड़ बहुत ज्यादा है दीपा। हाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ ज्यादा का मतलब आपको भी अच्छा खासा मुनाफा? लाभ होता है भाई, होता है। दर्शनी लोग आते हैं, माला फूल लेते हैं, तो बाबा को चढ़ाते हैं। और एक बात बताइए कि अगर ये अवसर बात करें और एक सामान्य दिन की बात करें तो आपको उम्मीदें इससे तो ज्यादा रहती हैं? नहीं, सामान्य दिन फर्क पड़ जाता है। हाँ बाजार डाउन हो जाता है। जी आज उम्मीद कर रहे हैं कि सावन माह में अच्छा खासा अच्छा कमाई हो जाता है? तो प्रथम दिन लग रहा है? प्रथम दिन डाउन है भाई, तीसरा चौथा लगेगा तो अच्छा भी चलेगा। तो बाबा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, लेकिन उत्साह आप देख सकते हैं किस मंडी में है। क्या हाल है भैया, सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक है भैया। अच्छा कब से दुकान लगाते हैं आप? लमसम 30 साल हो गया। 30 साल बस फाटक पे ये दुकान है। और क्या कहेंगे आज प्रथम दिन क्या लग रहा है, बिक्री कैसी हुई है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुश हैं? खुश हैं। जब से मोदी का सरकार है हम लोग खुश हैं। अच्छा, मोदी जी की जब से सरकार आई है? हाँ हाँ। कारण क्या है? कारण यह है कि हाँ पहले भीड़ नहीं लगता था, अब इस समय भरपूर भीड़ है। हाँ। कोई टेंशन नहीं तो हो जाती है पर्याप्त? हाँ परिवार चल जाता है। पहले उतनी भीड़ नहीं लगती? नहीं, मोदी जी को श्रेय देंगे बिल्कुल। तो एक फरमान भी तो जारी किया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि जो नेम प्लेट लगाना है दुकानदारों को, तो आप उसको कैसे देखते हैं? अब उसके लिए हम क्या बताएं भैया, हम लोगों को देखिए माला फूल का काम है, ठीक है। मैक्सिमम हम लोग रोड पर नहीं लगाते, हम लोग का थोक दुकानदारी है, यहाँ से खरीद के लोग रोड पर लगा कर बेचते हैं, उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। चलिए शुक्रिया। तो इनका कहना है कि आने वाले समय में ज़रूर जो ग्राहक हैं, जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी। और जो बाबा को चढ़ाए जाने वाला बेलपत्र है सबसे ज़्यादा इसका महत्व है, सावन माह हो, महाशिवरात्रि हो, 13 हो, प्रमुख तिथि हो, उस दिन बाबा को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। और कहा जाता है कि इसके चढ़ाने से जो शिव भक्त हैं उनकी सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। तो देखना होगा कि आने वाले सावन माह के सभी पांचों सोमवार को वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में कितने श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.